आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। कहाँ होगी भूल भुलैया 3 की शूटिंग? कोलकाता क्यों है गुड़ियाओं के लिए मशहूर? किस मजेदार कहानी की तलाश है रूहान को? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, कोलकाता बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आपने यहाँ कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, गार्डन और म्यूजियम देखे होंगे। कई फिल्मों की शूटिंग कोलकाता में हो चुकी है। कई में बंगाली टच दिया गया है, जिसमें से हाल ही में रिलीज हुई भूल भुलैया का दूसरा पार्ट है। भूल भुलैया का ये बंगाली टच इसके तीसरे पार्ट में भी बरकरार रहने वाला है, जिसकी शूटिंग कोलकाता शहर में होने वाली है। वास्तव में पश्चिम बंगाल का ये शहर बेहद अनूठा है, लेकिन इस शहर का एक भयानक पक्ष भी है। जी हाँ दोस्तों, इस शहर में ऐसी कई जगह है जहाँ से कई डरावनी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है पुतुल बाड़ी गुड़िया घर, जिसको इंटरेस्टिंगली तौर पर दुनिया के सामने लाने के लिए भूल भुलैया 3 का हिस्सा बनाया जाएगा। गुड़िया के इस डरावने घर से कोलकाता का लगभग हर शख्स वाकिफ है। पुतुल बाड़ी सर्कुलर रेलवे ट्रैक से सटे और शोभा बाजार घाट के पास 22 हारा चंद्र मलिक लेन में स्थित है। पुतुल बाड़ी की भूतिया और अंधेरे ऊपरी मंजिलों पर सीढ़ियां चढ़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है। सूरज ढलने के बाद लोग इमारत के पास जाने से भी बचते हैं। आखिर क्या है ये पुतुल बाड़ी गुड़िया घर और यहाँ के लोगों के बीच इस जगह का इतना खौफ क्यों है, जिसकी खोज रूहान उर्फ रू बाबा करेंगे। पुतुल बाड़ी को कोलकाता के सबसे हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। इसका अतीत बेहद डरावना है। कोलकाता के शोभा बाजार में पुतुल बाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली है। उन दिनों पे यहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था। यहाँ के रहने वाले गरीब लोग अमीर परिवारों के गुलाम थे, क्योंकि इनमें से अधिकांश मकानों में गोदाम हुआ करते थे। इसीलिए यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को अमीर मालिक काम पर रख लेते थे। इन सब के बीच मालिक की बेटी को गुड़ियों के प्रति एक अजीब सा जुनून था। वो हर आकार की गुड़िया इकट्ठा करती थी। एक समय ऐसा भी था जब हवेली में गुड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन था। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में गुड़िया की अजीब गरीब मूर्ति से उनके इस जुनून का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि हवेली के मालिक यहाँ काम करने वाली महिलाओं का फायदा उठाते थे। इन महिलाओं को कई सालों तक यौन उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा। बाद में वे अपना अपराध छिपाने के लिए महिलाओं की हत्या कर देते थे और उन्हें संपत्ति के अंदर ही दफना देते थे। ये घटनाएं भी नियमित रूप से यहाँ होती गई। गुड़िया की दीवानी बेटी की एक दुर्घटना में मौत हो गई और उसकी मौत के बाद हवेली भूतिया हो गई। आपको जानकर हैरत होगी कि अब भी कुछ गुड़िया हवेली में है। हालांकि अब वह धूल खा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन गुड़ियों में कभी कभार जान भी आ जाती है। दोस्तों, इस इमारत का एंट्री गेट वास्तव में जर्जर दिखता है। यहाँ प्रवेश करते ही सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड है। हालांकि यहाँ लाल फॉन्ट में बंगाली में लिखा हुआ है, प्रवेश सख्त वर्जित है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहें ना फैलाएं, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के प्रभाव में ना आएं। भूतों के बारे में सभी तथ्य पूरी तरह से झूठ है। इस तथ्य को साबित करने के लिए घर में प्रवेश ना करें। कोलकाता के हॉन्टेड डॉल हाउस में भूतिया घटनाओं को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए लोगों को पुतुल बाड़ी में न जाने की सलाह दी जाती है। आज भी यहाँ के लोगों को गुड़िया घर में महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसके लिए एक पुरस्कार रखा गया है, जो लोगों को तब मिलता है जब वे गुड़िया घर की अंधेरी ऊपरी मंजिलों तक बिना डरे पहुंच जाते हैं। इसी का पता लगाने के लिए कोलकाता की रहने वाली मौली वहां गई, लेकिन उसके घर आने के बाद वो अजीब गरीब सी हरकतें करने लगी थी। उसकी माँ मुलीसा को ये बात बहुत परेशान कर रही थी। तब उसने रेडियो स्टेशन में रूहान को मैसेज किया। तब रूहान ने मुलीसा को कॉल किया। हाय मुलीसा, मैं रूहान बोल रहा हूँ, मुझे आपका मैसेज मिला था, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ।
मोनिशा ने कहा कि मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से बदली बदली है, उसका व्यवहार जानवरों जैसा हो गया है। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कुछ गुर्राने की और दीवार को खुरचने की। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रूहान ने मोनिशा से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मौली के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत डर गई हो, या कहीं बाहर किसी घटना के बाद उसका व्यवहार बदल गया हो। मोनिशा ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी 3 सप्ताह पहले किसी टूर के लिए बाहर गई थी, वहाँ से आने के बाद उसका व्यवहार बदल गया है। वो यही पास में किसी फेमस गुड़िया घर में स्टे के लिए गए थे। रूहान कहता है कि ठीक है, आप हमें आपके घर का एड्रेस भेज दीजिए, हम कल शाम आपके घर पर आएंगे। मोनिशा कहती है कि ठीक है, मैं आपको अपनी जानकारी भेजती हूँ। दोस्तों, अगले दिन रूहान और रीत दोनों मोनिशा के घर गए। दोनों शाम के समय अपनी कार से मोनिशा के घर के लिए निकल गए। मोनिशा ने जिस एड्रेस को भेजा था वो एक सुनसान इलाका, सूखे पेड़, पक्षियों के चिल्लाने की आवाज कोई शमशान से कम डरावना नहीं था। उन्होंने मोनिशा के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत आई। रूहान ने पूछा, क्या आप मोनिशा है? उसने हाँ कहकर हम दोनों को अंदर बुलाया। दोनों ने मोनिशा से बात की और मौली के बारे में पूछा। दोस्तों, आपको बता दें कि मोनिशा ने कहा कि मौली अभी उसके कमरे में ही है। वो रात को गुर्राने लगती है और दीवारों को खुरचने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो मुझे सोती हुई दिखाई देती है और दीवारें भी साफ होती हैं। उसके साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, प्लीज आप उसको ठीक कर दीजिए। इतना कहकर मोनिशा रोने लगती है। तब रूहान ने मोनिशा को समझाया और कहा कि क्या आप हमको मोनिशा के कमरे में कैमरा लगाने की इजाजत देंगे ताकि हम वास्तविक स्थिति को जान पाए कि कमरे के अंदर आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, मोनिशा की परमिशन मिलने पर और मौली के इधर उधर होने के बाद उन्होंने अलग अलग 4 कैमरे अलग अलग जगहों पर लगा दिए। फिर रूहान और रीत भी उसी घर में सो गए। दोस्तों, रात को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रूहान ने रीत को उठाया और गौर से सुनने को कहा। उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज मोनिशा की थी। रीत डर गई थी, लेकिन रूहान के कहने पर वो उसके साथ बाहर आई और वो दोनों मोनिशा के कमरे में गए। दोस्तों, उन्होंने वहां देखा कि मोनिशा अपने कमरे में नहीं थी और वो उसके बिस्तर के पास गए और देखा तो ओ माय गॉड, उसका बिस्तर तो खून से भरा हुआ था और बालों का गुच्छा था। तो दौड़कर मौली के कमरे में गए, मौली भी वहां नहीं थी। उन्होंने सभी कैमरों को इकट्ठा किया और पीसी से कनेक्ट किया। सबसे पहले मौली के कमरे को देखा। मौली अपने बिस्तर से उठी, उठते ही अपने गर्दन को 180 डिग्री पर मोड़ दिया। ये तो कोई भूत ही कर सकता है। दोस्तों, फिर मौली जोर जोर से गुर्राने लगी। इधर उधर घूमती हुई वो अपने दोनों हाथों से दीवार को खुरचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब उसने अपनी गर्दन को घुमाया तो उसकी शक्ल ही बदल गई थी। वो एक प्यारी सी पर डरावनी गुड़िया लग रही थी। ये मौली तो नहीं हो सकती, मौली में कोई भूत घुस गया है। मौली अपने कमर में से झुक गई और हाथ को लटकाए हुए कमरे से बाहर गई। कमरे से बाहर निकलते ही वो मोनिशा के कमरे में गई और उसके बालों को पकड़कर उसे लोचने लगी। मौली ने मोनिशा के बालों को तोड़ दिया और गले पर मुंह से काट कर बिस्तर पर खून खून कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद मौली कैमरे के पास आई और उसने कैमरा को बंद कर दिया, जिसके कारण रूहान और रीत को पूरी बात पता ही नहीं चल सकी। लेकिन उस घर में उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई कि वो घर में एक भी गुड़िया नहीं थी, लेकिन मौली के बेड के हर तरफ वही गुड़िया थी जिसकी शक्ल मौली से मिल रही थी। जब रूहान और रीत घर से बाहर की ओर आए तो उन्हें खून से सने पैरों के निशान मिले जो घर से बाहर की ओर जाते दिखाई दिए। रीत और रूहान ने उन पैरों के निशान का पीछा किया और वो लोग कोलकाता के पुराने गुड़िया घर, जिसे भूतिया गुड़िया घर कहा जाता है, वहां पहुंच गए। तब रूहान को याद आया कि मोनिशा ने रूहान को किसी गुड़िया घर के बारे में बताया था जहां पर मौली 1 हफ्ता रह कर आई थी। ये बात रूहान ने रीत को बताया। हालांकि गुड़िया घर के गेट पर लिखा था कि अंदर आना मना है, लेकिन रूहान को अपने रेडियो स्टेशन के लिए एक मजेदार कहानी की तलाश है, इसीलिए वो अंदर जाना चाहता है, लेकिन रीत ने उसे अंदर जाने के लिए मना किया। दोस्तों, इसलिए फिलहाल के लिए तो रूहान रीत की बात मान गया और दोनों वापस अपने घर आ गए। लेकिन रूहान को ये कहानी हर हाल में चाहिए ही थी।
तो आपको क्या लगता है, क्या रुहान उस गुड़िया घर में वापस जाएगा? क्या उसे पता चल पाएगा कि मौली और मोनिशा का आखिर राज क्या है? क्या मौली ही भूत है, क्या मौली ने ही मोनिशा को मारा है? हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए पॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।